सुना द आइडिया ऑफ इंडिया फाउंडेशन के लिए, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और कैसे पॉसिबल हुआ? जब पहले मैंने इस ऑक्शन के बारे में सोचा तो मुझे लगा कि ये बहुत ही मुश्किल होगा कि अगर हम इंडिया के सबसे बड़े हस्तियाँ, सबसे जीनियस जो आर्टिस्ट और टैलेंट्स है सारे पेशे पे प्रोफेशन से, तो इनको मिलने, फिर पूछने, फिर उसके बाद कुछ आइटम्स निकालने में बहुत बहुत समय लगेगा। और मैंने सोचा कि ये लोग तो कभी इंडिया में तो रहते भी नहीं हैं, कहीं शूटिंग हो रहा है, कहीं रिसाइटल हो रहा है, कहीं पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है। लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, एक बार तो मैं कोशिश करूँ। तो पहले मैं गया था 9.5 महीने पहले मेरे अपने दोस्त को अमिताभ घोष, उन्होंने कहा मैं क्या दूँ। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं सभी के पास ये पूछ के आ जाऊँ कि आप कुछ देंगे, तो वो कहेंगे हाँ, जाहिर है वो हाँ कहेंगे, लेकिन क्या देंगे ये भी मुझे सोचना पड़ेगा। तो फिर 2 हफ्तों के लिए मैंने सोचा, रघु राय से क्या पूछूं, आर के लक्ष्मण से क्या पूछूं, जाकिर हुसैन से क्या पूछूं, आमिर खान से क्या पूछूं। जब लगभग मुझे लगा कि ये चॉइसेस मैं उनको दूंगा, फिर मामला काफ़ी जल्दी, बात जल्दी बन गई, क्योंकि अच्छा आपको ये चाहिए, तो मैंने कहा जामिर गिव मी समथिंग फ्रॉम लगान। He says, okay, from Lagan. I said, do you have a script? He said, no, script तो नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ। फिर उसने कहा कि मैं बंडी दूंगा लगान से। तो जब शबाना जी ने पूछा, तो मैंने कहा कि शबाना, आई वॉन्ट नेशनल अवार्ड ट्रॉफी, इससे कोई मतलब नहीं बनता है कोई ऑक्शन के लिए कोई खरीदे, लेकिन आपके पास ऐसा कुछ है जिससे आपके पूरे करियर, पूरा करियर आपका चेंज हो गया। तो उसने कहा हाँ, एक ये गोल्ड मेडल है। तो वैसे अगर जब मैं सोचने लगा और मैं सुझाव देने लगा तो काफ़ी आसान हो गया। लेकिन ये जो 16 हस्तियाँ हैं, सो जेनरस, सो कम्पैशनेट, किसी ने ना नहीं कहा, और सभी ये सोच रहे थे कि अच्छा अगर अमर्त्य बाबू ने ये दिया है तो मुझे क्या देना है, मुझे भी काफ़ी अच्छी चीज़ देनी चाहिए। सो आई थिंक इट वॉज फैंटास्टिक उनका जो रिस्पॉन्स था। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आई होगी, क्योंकि बॉलीवुड से तो ठीक है क्योंकि आप जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड के एक्टर हैं, माने जाने एक्टर, लेकिन जो उसके अलावा जो आर्टिस्ट हैं उनसे, उनके पास पहुंचना, अपनी बातें कहना, वो थोड़ा डिफिकल्ट हुआ। देखिए मैं ज़्यादा ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बहुत महान हूँ, लेकिन सभी ने फाउंडेशन के बारे में या जो कुछ काम मैं करता आया हूँ पिछले 8-10 साल के लिए, उन्होंने सुना था और उनको लगा कि ये हमें ठगने के लिए आए नहीं है। अगर राहुल कुछ कर रहा है तो जाहिर है कि इसमें उसने सोचा है, और पैसे जो हैं कभी कहीं और नहीं जाएंगे। तो एक क्रेडिबिलिटी फाउंडेशन का है, उस क्रेडिबिलिटी के आधार पे उन्होंने हाँ कहा। और ये भी सच है कि उन्होंने शायद मेरे फिल्म्स देखे हैं, मेरे बारे में कुछ जानते हैं, तो एक क्रेडिबिलिटी सब बनता है, ऐसे नहीं कि ये बंदा कहाँ से आया है, कौन है। और फिर मैंने फाउंडेशन के बारे में बताया, सारे पैसों के बारे में बताया, आई नरेटेड द होल थिंग कि ये हम करते हैं, अंडमान के बच्चों के साथ ये है, स्कूल फीस हर साल 4 लाख रुपये हर बच्चे के लिए स्कूल फीस लगते हैं, 15 साल के 60 लाख रुपये, 6 बच्चे 3.5 करोड़, 12 बच्चे 7 करोड़, तो यहाँ पर पैसा जाता है। तो और हमने ये ऑक्शन किया था पहले, ये ऑक्शन किया था बाद में, अभी हम मणिपुर जा रहे हैं, पैसा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई बस ठीक है, समझ गए, नो प्रॉब्लम, अब आप हमसे क्या, आपको क्या चाहिए। सो दे वर वेरी वेरी कोऑपरेटिव। सो राहुल, बॉलीवुड के मशहूर फनकार, गज़ल गायक जगजीत सिंह, उनको गवर्नमेंट, उनके नाम पे गवर्नमेंट ने एक स्टैम्प जारी किया है। बाद में इसके बारे में साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि सभी दिग्गज जिनके जिनके पास दिया, सबने कुछ ना कुछ अपना दिया चैरिटी में, आपने क्या दिया खासकर अपने चैरिटी? मैंने क्या दिया जी? जी अपने चैरिटी के लिए खून, जी खून दिया, उसके अलावा अगर देना, अगर कुछ देना होता तो क्या देते थे खासकर अपनी कोई बेसकीमती चीज? बहुत 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 अच्छा सवाल है। अगर मुझे कुछ देना होता फिर मैं, अगर किसी ने मुझसे पूछा कि आइडिया ऑफ इंडिया के साथ आपका क्या ताल्लुक है, तो मिस्टर एंड मिसेस अय्यर का जो स्क्रिप्ट है, क्योंकि वो मैं समझता हूँ इंडिया का एक आइडिया है, कॉम्युनल हार्मनी, बहुत से आइडियाज़ में से एक बहुत अहम आइडिया है,
तो मिस्टर मिसाइल का मैं एक स्क्रिप्ट है मेरा, जिसमें मेरे नोट्स हैं और पूरा जो कैरेक्टर स्केच है राजा चौधरी का, ईमेल्स अपर्णा मेरे बीच में, सारा जो है दैट आई वुड हैव डोनेटेड. कि ये एक कहानी है जैसे कैसे मिस्टर मिसाइल वॉज मेड. और साथ में अगर और चीज़ मुझे देने होते तो डेफिनेटली मैं जानता हूँ कि मैंने रग्बी इंडिया के लिए खेला है. रग्बी बहुत छोटा सा एक खेल है, लेकिन माय फर्स्ट जर्सी 1998 सिंगापुर में, नेशनल एंथम झंडा उड़ रहा है वहाँ पे, एंड जनगण मन स्टार्ट्स एंड आई एम वेयरिंग द इंडिया कलर्स, इट वाज अ बिग मोमेंट फॉर मी. सो आई वुड डोनेट दैट जर्सी एज एन आइडिया ऑफ इंडिया. ऑक्शन के बाद किस तरह से देखते अपनी द आइडिया ऑफ इंडिया को आगे चल के? देखिए ऑक्शन बच्चों के लिए, जिसके लिए ऑक्शन के बाद हम जा रहे हैं मणिपुर. हमने मणिपुर चीफ मिनिस्टर के साथ बात कर ली है, मैं मिला उनसे 3 दिन पहले, परमिशन मिल गया है मणिपुर से 6 बच्चों को चुनने के लिए. तो मणिपुर जाएंगे और मैं ये वादा करता हूँ कि जब तक मुझ में जान है, नहीं मेरे जाने से बाद भी फाउंडेशन चलता रहेगा और हम देखेंगे कि 20 साल में आप देखोगे कि अब 18 बच्चे हैं, लेकिन 20 और 15 साल बाद आप देखोगे कि बच्चे 100-150 बच्चे हो गए हैं, सारे सारे विभिन्न कोने 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 से जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलते नहीं है, वी विल बी सिलेक्टेड. द आइडिया ऑफ इंडिया से आप जुड़े ही हैं, साथ साथ फिल्मों से भी जुड़े हैं, तो बताएंगे कि किस तरह कौन सी फिल्में कर रहे हैं, विश्व रोकन टूर में सुना था आप कर रहे हैं? अभी मैंने 4 फिल्म साइन की हैं. पिछले साल मैंने सिर्फ विश्वरूपम किया था और मिडनाइट चिल्ड्रन, अभी 4 फिल्म साइन किए हैं और 3 उनमें से हिंदी में है, क्योंकि मुझे लगा कि अब थोड़ा सा हिंदी में वापस जाए. जोया अख्तर्स नेक्स्ट फिल्म आई एम डूइंग जोया अख्तर्स नेक्स्ट फिल्म, आई एम प्लेइंग द लीड इन अ हिंदी फिल्म कॉल्ड जीने दो, लव स्टोरी है, वरुण मल्होत्रा डायरेक्टर है, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है, बहुत सुंदर कहानी है, आई एम प्लेइंग द लीड इन दैट. एंड द सीक्वल टू मिस्टर मिसेज आयर जो मैंने अपर्णा जी के साथ लिखा है, शी इज़ राइटिंग द स्क्रीन प्ले विद, शी इज़ कोलैबोरेटिंग ऑन द स्क्रीन प्ले विद समबडी एल्स. एंड लास्टली आई एम डूइंग अ बंगाली फिल्म, डिटेक्टिव फिल्म है जो मैं कर रहा हूँ कलकत्ते में अगले महीने. एंड फाइनली आई एम डायरेक्टिंग अ फिल्म इन जनवरी जिसके लिए मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ. स्क्रिप्ट मैंने आधा से कम लिखा है लेकिन पैसे मुझे आधा से ज़्यादा और अभी मिल गए. एक और जानना चाहेंगे, शादी के साइड इफेक्ट 2 आ रहा है और आप नहीं इस बार, तो मिस कर रहे हैं आप? देखिए मिस की क्या बात है, इस दुनिया में आपके हाथ में जो आता है आप ठीक से करो और फिर आपके हाथ से निकल जाते हैं. ये जो मैं सूट पहन रहा हूँ, मैं तो मरने के बाद मैं ये नहीं लेने वाला हूँ मेरे साथ. तो ज़िंदगी में जो आपके हाथ में आता है उसी को आप सुनहरे तरीके से आप काम करें, और जो नहीं आता है नहीं आता है. लेकिन शादी के साइड इफ़ेक्ट्स मैं ज़रूर देखना चाहूँगा, क्योंकि ट्रेलर्स बहुत अच्छे हैं. मुझे लगता है कि साकेत ने फिर से एक कमाल का एक फिल्म बनाया है. एंड विद्या एंड फरहान आर वंडरफुल एक्टर्स एंड फैंटास्टिक सुपरस्टार्स. राहुल जी, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है कि आप मानते हैं कि मैरिज इज अनसेटलिंग. जी, किसी ने मुझसे पूछा कि आप सेटल डाउन कब हो रहे हैं, तो मैंने कहा कि आपको लगता है कि मैं सेटल नहीं हूँ, आपको लगता है कि मैं अनसेटल्ड हूँ, कि मुझमें कुछ हलचल है जो एक पत्नी ये इस हलचल को बंद कर देगी? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सेटल्ड हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ मेरे फाउंडेशन के साथ, मेरे रग्बी के साथ, मेरे फिल्मों के साथ, मेरे अगले डायरेक्शन वेंचर के साथ, बहुत सेटल्ड हूँ. शायद ये हो सकता है कि एक लड़की अगर ज़िंदगी में आए तो मैं अनसेटल्ड हो जाऊँ, तो ये चांस मैं नहीं लेना चाहता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया जी. एक वैलेंटाइन डे विश. वैलेंटाइन डे विश, सेटल. प्यार के लिए एक दिन नहीं 365 दिन है, लेकिन अगर आप चाहें तो फरवरी 14 के लिए हैप्पी वैलेंटाइंस डे. जी, आपका क्या प्रश्न था? वही सर, जगजीत सिंह के बारे में, उनको गवर्नमेंट हैज इशूड एन स्टैम्प इन हिज नेम एंड ऑन दिस अदर हैंड दिस अ लेडी कॉल्ड जोरा सागर, शी इज़ नॉट गेटिंग द हाउस टू. देखिए जोरा जी के बारे में आपसे मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ, और अगर आप मुझे थोड़ा भी जानते हो तो आप जानते हो कि अगर मैं किसी किस्से को बारीकी से नहीं पढ़ूं सारे तरफ से कि गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, ये है, मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा. लेकिन जो जगजीत सिंह साहब के साथ जो गवर्नमेंट एक स्टैंप निकाल रहे हैं, बहुत ही इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल ट्रिब्यूट टू अ वंडरफुल वंडरफुल परफॉर्मर हु मेड अस प्राउड. थैंक यू.
चाहे कितना भी कठिन काम हो, हाउएवर डिफिकल्ट इट इज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि राहुल भाई जैसा आदमी अगर उसमें है तो वो ज़रूर, क्योंकि वो पैशनेटली उसमें इन्वॉल्व है। ये छोटी सी हमने अपनी तरफ से दी है जो हमारे पुश्तों से हमारे पास है, और उसमें उन पुराने गुरुजन का स्पिरिट, उनका भाव, उनका सोच, उनका स्पिरिट और उनका क्या कहते हैं कैसे वाइब्रेशन उसमें है, तो वो हमने पेश किया क्योंकि दैट इज ऑल्सो इंडिया, इज इंडिया एंड इंडिया इज ट्राइंग टू प्रमोट थ्रू द ऑप्शन टू ऑल ऑफ अस एंड टू द गवर्नमेंट दैट दिस वर्क नीड्स टू बी डन, दैट्स ऑल। What was your reaction when Rahul first approached you and how you just managed to... No, necessary course. It needs to happen. Government cannot look in every nook and corner of our country and under every building, every rock to see what needs to be done. It is up to us individuals as human beings to bring to the government's attention that this needs to be done. And you don't just bring it to the attention and say, ye hona chahiye. हमें करके दिखाना है, वी हैव टू डू इट टू शो हाउ इट कैन बी डन, एंड समवन लाइक राहुल भाई, ही हैज़ टेकन इट अपॉन हिमसेल्फ टू डू दिस, उन्होंने सोच लिया है और ठान लिया है कि ये करना है, और ये चाहे कितना भी कठिन काम हो, हाउ एवर डिफ़िकल्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि राहुल भाई जैसा आदमी अगर उसमें है तो वो ज़रूर होगा, क्योंकि वो पैशनेटली उसमें इन्वॉल्व है, वो इमोशनली उसमें इन्वॉल्व हैं, वो सचमुच इस काम पर बिलीव करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये काम होना बहुत ज़रूरी था, और इसमें हम जैसे मेरे और 15 और दूसरे कलाकारों ने, आर्टिस्टों ने अपने अपने आर्ट जो दिए हैं और अपनी अपनी चीज़ें पेश करी हैं, ये एक छोटी सी बात है। ये अगर आप देखें कंपेयर टू द वर्क दैट नीड्स टू बी डन, ये एक छोटी सी हमने अपनी तरफ से भेंट दी है जो हमारे पुश्तों से हमारे पास है, और उसमें उन पुराने गुनीजन का स्पिरिट, उनकी उनका भाव, उनका सोच, उनकी उनका स्पिरिट और उनका क्या कहते हैं कैसे वाइब्रेशन उसमें है, तो वो हमने पेश किया क्योंकि दैट इज़ आल्सो इंडिया, एवरी लिटिल पीस दैट इज़ बीइंग प्रेजेंटेड फॉर ऑक्शन इज़ इंडिया, एंड इंडिया इज़ ट्राइंग टू पॉइंट through the auction to all of us and to the government that this work needs to be done, that's all. So sir, what was your reaction when Rahul first approached you and how you just managed to... No, there was no reaction, there was no thinking, it was immediate, it was like yes, it has to be done. Aur maine socha ki main aisi kya cheez de sakta hu jisko ek bidder dekhega to usko samajh mein aayega ki ha ye jo cause hai ye bahut zaruri hai, क्योंकि when you are bidding for something for a cause, that thing that you are bidding for must make you realize that the cause is important, नहीं तो क्या फ़ायदा। तो मुझे एक ऐसी चीज़ देनी थी जो मेरे लिए इतनी precious हो कि that would be a big sacrifice on my part, and the bidder would realize what a sacrifice that is, and therefore would be able to help with the cause. ये plan था, and so मेरे father का जो last tabla मेरे पास है, ये निशानी I had to give because there was no twice thinking about it. Rahul ने सोचा है, काम important है, हमारे भविष्य के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है, absolutely.